अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक जो मेथड मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मोनेटाइज के डायरेक्ट लिंक को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं एंड किस तरह से आप मोनेटाइज एड तरह से अर्निंग कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, किस तरह से इन दोनों को यूज करते हुए आप जो है वो अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, यानी आप जो है वो डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से इन सभी चीजों को मैनेज करना है और किन स्टेप्स को फॉलो करना है। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें बताऊंगा, वो सारा प्रोसीजर, वो सारा मेथड बताऊंगा जिसके जरिए यहाँ से आप जो है वो अर्निंग करने वाले हैं। अब एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाएं, क्योंकि इस वीडियो में आपको थोड़ी सी आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है गाइस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि मोनेटाइज क्या है, यहाँ पे मैंने दूसरी स्क्रीन के ऊपर मोनेटाइज की वेबसाइट को ऑन कर रखा है। अब सबसे पहले इसके कुछ रूल्स है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर एक दफा अकाउंट बनाते हैं तो आपने भूल कर भी सेकंड अकाउंट सेम डिवाइस सेम इंटरनेट के ऊपर नहीं बनाना। अब मैं यहाँ पे अपने मेन अकाउंट्स क्यों नहीं शेयर करता, क्यों नहीं शो करता, उसका रीजन ही यही होता है कि आजकल जैसे स्पैमिंग चल रही है, हम खुद भी करते हैं, जाहिर सी बात है हम खुद कर रहे हैं, तो उस स्पैमिंग को देखते हुए जितने भी एड नेटवर्क हैं या जितने भी नेटवर्क्स हैं, चाहे जो भी है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे कोई सा भी ले लो, एडसेंस है, एड नेटवर्क है, एड्सीरा है, मोनेटाइज है, एनी वन, यहाँ पे इनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अब क्यों हुई है, वो उसका रीज़न है, हम CPM वगैरह जो करते हैं उस वो ही रीज़न है। अब वो क्या करते हैं, एक डिवाइस के ऊपर एक ही अकाउंट को अलाउ करते हैं। अगर आप सेकंड बनाते हैं तो फिर आपका फर्स्ट वाला अकाउंट भी बैन कर दिया जाता है एंड सेकंड अकाउंट तो बना ही नहीं पाते। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, जितने भी मेरे मेन अकाउंट्स होते हैं वो हमारे अलहदा डिवाइसेस के ऊपर, एक नहीं बल्कि अलहदा डिवाइसेस के ऊपर इनेबल होते हैं, ऑन होते हैं और उनके ऊपर वर्क किया जाता है। अगर मैं इस डिवाइस की बात करूं जिसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसको जस्ट मैं वीडियो के लिए यूज़ करता हूं, तो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं लॉगिन के पेज के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं, तो ये जो स्क्रीन है वो जस्ट वाइट, जो मेरे सामने एक साइकिल चल रहा है, जो वाइट स्क्रीन चल रही है मेरे सामने, ये यहीं पर स्टक हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे अकाउंट बनाता हूँ, बहुत सारी स्पैमिंग हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें ये इशू देखने को मिलता है। तो भूल के भी आपने सेकंड अकाउंट नहीं बनाना, सेम डिवाइस के ऊपर एक अकाउंट बनाना है, एक के ऊपर काम करना है। आपको वो एक अकाउंट इतना आपको प्रॉफिट दे देगा कि आपको सेकंड अकाउंट बनाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। अब जिन लोगों को नहीं पता था कि मोनेटाइज क्या है, बेसिकली ये भी एड्सीरा की तरह काम करता है, स्मार्ट लिंक आपको यहाँ पे मिलता है और भी बहुत सारे यहाँ पे डायरेक्ट लिंक वगैरह यहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे भी ये भी आपको जो है वो इंप्रेशंस के ऊपर भी अर्निंग दे देता है, तो इजीली यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। और किसी भी एड नेटवर्क की यहाँ पे आपको अर्निंग देता है अच्छे CPM के अंदर, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे हमारे एड नेटवर्क है, तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ के ऊपर जो है कुछ ऐसे ट्रैफिक्स होते हैं जिनके ऊपर हमें अर्निंग नहीं होती, यानी हमें अर्निंग नहीं मिलती। बट ये मोनेटाइज एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें किसी भी टाइप की, आपको अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है किसी भी टाइप की, एनीवन, उसके ऊपर ये आपको जो है वो अर्निंग देता है और आपको जो है वो आपके अकाउंट में भी बल्कि पेड करता है, ठीक है, कुछ भी टाइप की, किसी भी टाइप की। अब इसके ऊपर आपने अकाउंट बना लेना है। सेकेंड चीज़ जो हमारे पास आएगी वो आएगा एड्सीरा। अब एड्सीरा का आप लोगों ने पब्लिशर अकाउंट बनाना है। पब्लिशर अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं करता हूँ एड्सीरा सर्च, ठीक है, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया एड्सीरा, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें मैंने एड्सीरा लिख दिया, सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपने ओपन करना है एड्सीरा की, उसके बाद आपने साइनअप के ऊपर आना है, उसके बाद आपने एज एन एडवर्टाइजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आपने अपनी मेल देनी है, फुल नेम देना है, उसके बाद लॉगिन डिटेल देनी है, जैसे कि यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम दे देना है, पासवर्ड दे देना है, कहाँ से सुना वो दे देना है, उसके बाद वहाँ पे अपनी ID दे देनी है। अब यहाँ पे आपसे टाइप पूछ रहा है, तो आपने डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग लिखना है। अगर आप दूसरी कंपनीज वगैरह से जा रहे हैं तो वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं मेरी तरफ से तो आपने डायरेक्ट एडवर्टाइजर लिखना है। उसके बाद आपने मॉडल यहाँ
पे जो है वो सिलेक्ट करना है। आप CPM करना चाहते हैं, आप CPA, CPL, CPC, CPL और या फिर CPA, UTC वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, या फिर RTP। तो यहाँ पे हम CPM करने वाले हैं तो आप CPA भी कर सकते हैं, CPM भी नो इशू। अब यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ भी बता सकते हैं, कह रहा है हाउ डिड यू नो अबाउट अस, तो हमारे बारे में आपने कहाँ से सुना, तो मैं सोच सोशल नेटवर्क और टेल अस मोर। तो यहाँ पे आप नथिंग भी लिख सकते हैं, कुछ भी, उसके बाद आई हैव एग्री, साइन अप कर देंगे। आपके अकाउंट के ऊपर आपके मेल के ऊपर एक वेरीफिकेशन मिल जाएगी, सिंपली उसको आपने साइन अप करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस जो होगा ये वो बैलेंस होगा जो आप इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे, ना कि यहाँ पे आप अर्निंग करेंगे। इसका जो हमारे पास दूसरा अकाउंट होता है, जो मेन अकाउंट होता है, उसके अंदर हमें बैलेंस में वो पैसे शो होते हैं, वो डॉलर शो होते हैं जो हमने अर्न करे होते हैं। लेकिन एडवर्टाइजर में हमें वो बैलेंस शो होता है जो हमने डिपॉजिट करा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। उसके बाद आपको इंप्रेशन देखने को मिलता है कि आपने कितने इंप्रेशन आपको मिले हैं और कितने डॉलर आपके स्पेंड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ आपको लाइव दिखाता है। स्टैटिक्स में भी आपको सेम चीज़ें, सेम ग्राफ, एवरीथिंग आपको मतलब सेम देखने को मिलता है आपको सब चीज़ें। अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा हुआ तो यहाँ पे मुझे शो भी नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंपेन्स आ रही है। अब क्रिएट कंपेन्स का कह रहा है, माई कह रहा है, CPL को रूल्स जो हमारे होंगे वो हमें शो कर रहा है। ट्रैफिक चार्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है, ऑफर विश लिस्ट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद फिनांस भी देखने को मिलता है, ट्रैकिंग वगैरह में आप ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो है हमारे लिए वेस्ट ऑफ है। तो हमने क्या करना है, सिंपली कंपेन्स के ऊपर जाना है। कंपेन्स के ऊपर जाने के बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, आफ्टर ऑल यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने अपना कंपेन नेम देना है, आप कोई भी दे सकते हैं, एनीवन, आप जो कंपेन लिखना चाह रहे हैं, जिस रिलेटेड जो है वो करना चाह रहे हैं। ये जस्ट आपको याद दिलाने के लिए होता है कि आप रिमेंबर रखें इस चीज़ को कि फलां की इसके लिए मैंने फलां जो है वो कंपेन चलाई थी। लेट्स सपोज ये मैं मोंटेज के लिए चला रहा हूँ तो मोंटेज रख लूँगा, अगर मैं टिकटॉक के लिए चला रहा हूँ तो टिकटॉक रख लूँगा, ताकि मुझे याद रहे, इसका और कोई काम नहीं होता। कनेक्शन टाइप यहाँ पे आपके पास आ रहा है, 3G हो, वाईफाई हो या फिर आल नेटवर्क हो, तो मैं आल ट्रैफिक कर देता हूँ, ये इसको आप ना ही छेड़ें। उसके बाद प्राइसिंग टाइप आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, बिनारी बेटिंग, क्रिप्टो एंड सारी चीज़ें बता रहा है विद CPM टेस्ट। तो यहाँ पे आप अपना CPA, CPC जो है ये सारी दे सकते हैं, तो CPC भी कर सकते हैं कि आपको ट्रैफिक किस टाइप की चाहिए, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक जो आता है हमारा वो कहाँ से कैसे आना चाहिए। उसके बाद ये ऐड यूनिट कह रहा है कि कौन सा ऐड यूनिट हो, नेटिव बैनर हो, सोशल बार हो या फिर इन पेज पुश हो। तो यहाँ पे आप जो आपको बेस्ट लगता है, देखो अपनी चीज़ें ट्राई करनी है। ये जो कंपेन्स होती है ये री एडिट हो जाती हैं, ये इस चीज़ के अपने परेशान नहीं होना इस चीज़ के लिए। आपने सिंपली वो काम करना है जिसके ऊपर आपको अच्छी खासी अर्निंग हो। अगर मुझे जो है वो नेटिव के ऊपर अच्छी अर्निंग हो रही है तो ऑब्वियसली मुझे कोई भी हर्ज नहीं है कि मैं नेटिव को हटाऊं। अगर मुझे नेटिव के ऊपर अच्छी अर्निंग नहीं हो रही तो देन मैं सोशल बार की तरफ जा सकता हूं, मैं इन पेज पुश की तरफ जा सकता हूं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन सा जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो अच्छा इम्पैक्ट दे रही है, तो वही सेटिंग आपने अपनी तरफ से मैनुअल, जस्ट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रैफिक टाइप यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मेन स्ट्रीम होनी चाहिए, अडल्ट होनी चाहिए, तो मेन स्ट्रीम आपने कर देनी, अडल्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका लैंडिंग पेज है, अब यहाँ पे आप जो है अपना जो मोंटेज का डायरेक्ट लिंक है वो भी दे सकते हैं अगर आप वो नहीं देना चाहते। देन आपने एक वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर मिनिमम कंटेंट डाल देना है, ChatGPT से क्रिएट करके उसके ऊपर मोंटेज के जो एड्स हैं वो आपने इंसर्ट कर देने हैं, और फिर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे सारा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट नाउ यहाँ पे आपने वो दे देना है। उसके बाद हमारे पास डिवाइस फॉर्मेट आ रहा है कि आप मोबाइल से आना चाहिए, टैबलेट, तो डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप कर देता हूँ, डेस्कटॉप का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास लैंडिंग प्रीव्यू जो है कि यूज़र को कौन सी चीज़ शो होनी चाहिए कि वो उसको देखें एंड उसके ऊपर क्लिक करें। अब आप यहाँ पे ऑफर्स वगैरह लिख सकते हैं, आप कुछ भी अच्छा सा जिसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे आई कैची जो है वो यहाँ पे हमारी इमेज होनी चाहिए, तो वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं, आपकी नॉर्मल वेबसाइट शो होगी। कंट्रीज यहाँ पे आपके सामने आ रही है, यहाँ पे आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ अफगान होगी, फिर ऐसे ही यहाँ पे अल्जीरिया होगी। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे जो है वो डिफरेंट कंट्री से आपको जो है वो ट्रैफिक आनी चाहिए, तो देन आप जो है वो बल्क इनपुट की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको उसका फर्स्ट वाला कोड देना होगा। कोड कौन सा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अफगान का है AF, ऐसे ही एलैंड आइलैंड का है AX, उसके बाद अल्बानिया का है AL, ऐसे ही जितने भी हैं उनके डिफरेंट
या वो कॉर्ड्स हैं, जैसे पाकिस्तान का पीके होगा ऑब्वियसली, ऐसे यूएस का यूएस होगा, यूनाइटेड स्टेट का, तो वो आपने लिख देना है। उसके बाद प्राइसिंग में आपके सामने प्राइस आ रही है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी की प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी कॉस्ट है वो आपकी कट होनी चाहिए पर क्लिक के ऊपर। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, रिकमेंड कर रहा है CPC में कि रेट जो है वो इतना कट होगा पर क्लिक के ऊपर, रिकमेंड कर रहा है 0.001 कर रहा है। ऐसे ही अगर आप CPC को हटा के CPM रखते हैं तो CPM की कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे मैं CPM कर दिया, रेट यहाँ पे हमारा जो है वो लोडिंग कर रहा है, तो यहाँ पे ये देखें CPM में आपकी ये कॉस्ट है वो कट होने वाली है। तो CPC एक बेटर चॉइस है हमारे पास, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको CPC के अंदर और CPC में और CPM में फ़र्क तो है वो हमारे हमें शो हो रहा है, उसमें हमें अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है। बजट हमारा टोटल कितना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं आप $5 स्पेंड करना चाहते हैं, आप $10 स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ स्लॉट आ रहा है, तो इसको आप स्टार्ट वेरिफिकेशन शेड्यूल वगैरह के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे CPC करते हैं, CPC में आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये देखें आप इमेज वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं और टाइटल वगैरह भी दे सकते हैं, आपका एक क्रिएटिव बन जाएगा, एक ऐड बन जाएगा। राइट नाउ यहाँ पे हमारे पास टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप टारगेट जिस चीज़ को करना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ब्राउजर हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये इनको फिर ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। आपने जैसे ऑल कर दिया, ऐड कर दिया, फिर अगेन से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कंपेंस लिमिट आ रही है, इसको आप अपनी मर्जी से इंप्रेशन के ऊपर जो पीरियड है वो इतना हावरली इतने इंप्रेशन है वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं नहीं बताने वाला। बजट अब ये डेली और हावरली के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर आपको सिंपली ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें आप विश लिस्ट, वाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं कुछ IPs को, जो आपको लग रहा है कि ये स्कैमिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जो है वो स्टैटिक्स के अंदर शो होगी, जितने भी IPs आएंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको स्टैटिक्स के अंदर शो होगी। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये स्पैमिंग कर रहा है, देन आप उसको वाइट लिस्ट कर सकते हैं या फिर ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, अगर वो सही चल रहा है फिर उसको आप वाइट लिस्ट कर देंगे। तो ऐसे करके आप जो है इन सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप मोंटेज के एड्स को एड नेटवर्क के जरिए यानी एड शेयर के जरिए प्रमोट कर सकते हैं एंड अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी, अगर पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबाद।